मेरी डाल का सर मैं तोड़ दी। हाँ तेरा सर भी तोड़ दूंगी मैं, झूठ बोला है तूने मुझसे। अरे वाकई तोड़ दी डाल। I am ready to show me. तौबा तौबा अस्तगफार, क्या हो गया आज की लड़की को? तौबा तौबा बेहयाई, माँ बाप के दीदों का तो पानी ही खुश्क हो गया। सैफीना देखे इसको, लेटो को धोना और चमकाना यही तो मेरा काम पुराना। चल बर्तन धोए धोते ही जाएं। आज देखेगा क्राउड सैफी, मेरा ग्रुप सैफी बर्तन धुल गए, बस धुल गया, आखिरी दो प्लेट रह गए। ये सैफी भी बड़ा ही कोई दब्बो आदमी है, इसकी आप एक दफा मेरे हाथ लग जाए ना, जाली पार्लर पे 812 302 420 का केस ना करवा दिया ना, मेरा नाम भी जैनी नहीं। आज देखेगा करोड़ मेरा ग्रुप टीवी ते। I am ready ते, I am sure ओए। जैनी नसीबो लाल बाद में बन जाना, पहले नीचे आकर हांडी बूंद। नसीबो लाल, एक तो मेरी माँ का इंट्रो भी ना हर वक्त पे हो जाता है। सैफी जी आप सारे बर्तन धुल गए ना? हाँ जी धुल गए। अच्छा और वो जो टूटा था वो जुड़ा? तो टूट गया ना, अब जुड़ नहीं सकता। एहतियात से बर्तन धोया करो ना, इतने बर्तन तोड़ते हो तुम। अच्छा सुनो ये सब्जी पकड़ो, ये जल्दी से सब्जी काट दो ताकि आप हंडिया चढ़ाओ। नहीं ताकि तुम जल्दी से हंडिया चढ़ा दो। आप ही मैं थक गया हूँ, पहले इतने बर्तन धो, अब ये इतनी सारी सब्जी भी काटूंगा, फिर हंडिया भी मैं ही बनाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, तुम क्या याद करो कि हंडिया मैं बना दे, लेकिन मेरा प्यारा भाई ये सब्जी काट के फौरन पार्लर में आ जा और मेरा फेशियल कर। आप ही पुराना मानना, पर एक बात कहूँ, जितनी देर आप अपना फेशियल करवाती है ना, इतनी देर में बड़े मैदान का फर्श साफ हो जाता है। आप दो दो घंटे रगड़ाई करवाती है चेहरे की, मैं थक जाता हूँ, और मेरे हाथ देखें ऐसे लग रहा है किसी पार्ट टाइम मजदूर के हाथ है। ज्यादा जबान ना चला, पिछली दफा तूने सही फेशियल नहीं किया था, ब्लैक हेड्स रह गए थे। क्या हुआ, क्या हुआ आपी? क्या लगाया तूने मेरे मुंह पे? और क्या हुआ आपी? क्या हुआ? जैसे मैंने फेशियल के बाद ये मेकअप लगाया मुंह पे, मेरे मुंह पे जलन होनी शुरू हो गई है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। पर आपी मैंने तो कुछ नया नहीं किया, मैंने तो वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है तू, जल्दी बता ये तो क्या देख रहा है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तू इधर उधर देख रहा है? और नहीं वो ऐसे ही मैं देख रहा था कि ये आपके करतूत है, चेहरा धुलते ही वाजे हो गए हैं। ये कौन बोला है, कौन बोला ये? कोई नहीं कोई नहीं, ये आपके जमीर की आवाज है, आपके अंदर से आ रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे लगता है छत पे कोई है, अगर बाकी कोई हुआ ना तो बैंड बजा दूंगी। कौन है ये? कोई नहीं कोई नहीं, आप एक काम करें, आप रुके मैं भी जाता हूँ आपकी कोल्ड क्रीम लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं जल्दी जाओ बर्फ लेकर आ। अपना ही बनाया हुआ कोई काजल वाजल आंखों में तो नहीं डाल लिया? तुम तो यही चाहते हो कि मैं अंधी हो जाऊं, बहरी हो जाऊं, काली हो जाऊं। जानती हो ताकि तुम ना वो दूसरी लाके ना मेरे सीने में बिठा दो। अरे एक घंटा हो गया कपड़े डालने आई, अभी तक डले नहीं और ये तो ये क्या पड़ोसियों क्या झांक रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं अम्मा, वो जो महवेश है ना पार्लर वाली, जाली पार्लर वाली, वो ही चिल्ला रही थी, लग रहा था कि उसकी आंख में कुछ चला गया, फूट गई है शायद। अरे अल्लाह करे आंख नहीं हाथ टूटे उसके, पता नहीं कैसा अजीबो गरीब खजाब में लाकर लगा देती है, मेरे तो सारे बाल ही झड़ गए। अभी जाके लड़ती हूँ, अभी जाके लड़ती हूँ, मेरी माँ को वक्त से पहले गंजी कर देगी वो। अरे जैनी जैनी हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार मत बैठी रहा करो, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई हो तुम। जैनी बदनाम हुई अम्मा तेरे लिए। होश कर, खामोश। सच तो कह रही हूँ, तुम्हारी खातिर लड़ने जाती हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। खुदा के वास्ते जैनी छोड़ दो ये हरकतें, चल दफा हो जाकर सफाई कर नीचे। अच्छा सुन, कपड़े धोने वाला साबुन और फेनाइल खत्म हुई भी है, जाकर लेकर आ पहले, तेरे बाप से कह दिया था पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है रात वहीं रहेगा, चल जा।
कहाँ जा रही हो? फिनाइल लेने जा रही हूँ, घर पे खत्म हो गया। कहो तो फिनाइल की गोलियाँ भी ले आऊं। अरे हाँ क्यों नहीं, बहुत नेक ख्याल है। रात को दूध में मिला के अपने माँ बाप को भी पिला देना, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों का किस्सा खत्म होगा ना तभी हमारी कहानी शुरू होगी। मैं अपने माँ बाप की बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी आपा की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लव स्टोरी में वही है एक अफलातून। आओ तुम्हें कहीं चलते ठंडा ठंडा जूस पिलाता हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे पिज्जा भी खिलाओगे, क्योंकि घर पे बैगन और टींडे खा खा के मैं थक गई। क्यों नहीं, आ जाओ। सही से बैठना। तुम्हारे अम्मा अप्पा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनकी सड़न किस दिन खत्म होगी? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। क्यों? तुम्हारे माँ बाप को क्या सुखाब के पर लगे हुए हैं? और मेरी आपी क्या कोई रोड साइड से उठाई हुई है कि उनके बारे में कोई भी बात कर सकते हैं और तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई बात नहीं कर सकते? ऐसे सैफी मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारी आपा के सुखाब के पर होते तो तुम्हें उनको भी मसाज करना पड़ता, तुम्हारे नाजुक नाजुक मासूम हाथ कितने थक जाते। आज तेरी आपा से तुझे ऐसा नील लगवाता हूँ, फिर देख तू कैसा निखर जाएगा। अच्छा खैर छोड़ो, एंजॉय। क्या है? मैं भी शब, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी नजर कमजोर हो चुकी है। और कहना भी मत तुम। अच्छा गौर से देखो तो सही, ये कौन है? कौन है ये? और ये तो सैफी के बच्चे, तू कहाँ से आ रहा है? आपा वो गलत फहमी हुई, बच्चे तो भी हुए नहीं ना, रुखसत ही हुए तो इसलिए। पको मत, बताओ कहाँ से आ रहे हो? दरवाजे से। दरवाजे से आ रहे हो? हाँ गए थे ना दरवाजे से, तो आओगे भी दरवाजे से, टार्जन नहीं हो, दरख्त से लटकते हुए आओगे। आ कहाँ से रहे हो? वो मैं ये देख ये कौन है, क्या है ये? देखो क्या है। मेरी वीडियो है ये? नहीं तुम्हारे भाई की है। अच्छा भाईजान की है? भाईजान मेरा चेहरा लगा कर मेरे कपड़े पहनकर क्या आपने एडिटिंग की है? रखो मत, बातें ना बना, सच सच बताइए कौन है? ये देखी देखी लग रही है लेकिन शक्ल वाजे नहीं हो रही, बताओ मुझे ये कौन है, किसके साथ तू ये रगड़लिया मरा रहा है? अच्छा अच्छा बताता हूँ, पर कसम खाओ आप मारोगे नहीं। साई वाली लड़की तो नहीं है वो? आवारा फितनी मुख्तसाई की लड़की? हाँ वो ये। मैं तेरा खून पी जाऊंगी सैफी, लेकिन इस छते टापने वाली लड़की को ना तेरी जिंदगी में नहीं आने दूंगी, समझा तू? आपा प्लीज, आपा आपा। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा, जरा इधर देखो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि फौरन फौरन छत पर आओ। अरे यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए ना, अगर आप ही को पता चल गया तो पता है ना वो क्या करेंगी। अरे यार मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ और तुम ये सब करा के ना उन सब पे पानी फेर दोगी। सैफी मुझसे ज्यादा फजूल बातें मत करो, मैंने कहा है ना कि छत पर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ। इंसान बनो, इंसान बनो। तुम्हारा मेरे घर में आना इतना आसान होगा ना तो कब की आ चुकी होती तुम घर में आ रही हूँ। अच्छा तुम एक काम, तुम जाओ मैं जरा देख के आता हूँ आप ही कहाँ है, उनके हाथ में क्या है। तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात, शराफत से अभी के अभी ऊपर आओ। अरे अच्छा आ रहा हूँ आ रहा हूँ, देखो तुम औरतों में ना सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम पहुँचो, मैं जरा देख के आ रहा हूँ कि आप ही मैं जाऊँ। अच्छा तो यहाँ ये हरकतें हो रही हैं और इल्जाम भी मेरी मासूम बच्ची पर कि ये बहका रही है तुम्हें। अरे नहीं खाला, कौन लगाएगा इल्जाम? कोई इल्जाम लगा के देखे मैं छोरे से जबान काट दूंगा। तो फिर ऐसा करो, नीचे बावर्ची खाने में मेरा इतना बड़ा छुरा पड़ा है, ले जाके ना अपनी अप्पा की जबान काट दो। ये तो नहीं हो पाएगा। और ये जरा दिखाओ, दिखाओ क्या लेकर आए हो, ये क्या तोहफे दिए जा रहे हैं? नहीं नहीं खाला, वो एक्चुअली मैं ये आपके पास ही लेके आने वाला था सच्ची। वो क्या है ना, मैं काम से वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में मेरे पीर बाबा मिल गए। मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, जो कहते हैं ना वो 90% सच्ची होता है। उन्होंने मुझे ये चेन दी और कहा कि मोहल्ले में जो सबसे नेक औरत है ये उसे पहना दो। दरअसल वो कह रहे थे कि जो इसे पहनेगा ना उसको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी और उम्र भी दराज होगी। अब मैं यही कह रहा था कि मोहल्ले में सबसे नेक खातून तो आप ही है ना खाला, आप ही है। हाँ और सैफी ये कह रहा था कि वो कब आए और कैसे पेश करे आपको। पेश करूं मैं आपको? तो पेश करने का आइडिया ही पूछ रहा था। चलो ठीक है रख लेती हूँ मैं, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम।
वो ये कि तुम्हारी आपा वो खूंखार आपा वो तो कभी नहीं मानेगी कि तुम दोनों एक हो जाओ। मेरा मशवरा ये है कि सैनी मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा कोई नशा वशा तो नहीं करती ना, मतलब जो कुछ भी उन्होंने कहा पक्का होश में कहा ना। सैफी 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 मैं तो खुद परेशान हूँ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा अम्मा की काया कैसे पलट गई। अरे पलटी तो पलटी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कहीं कोई साजिश वाजिश तो नहीं है ना। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं खुद से भी उतना ही प्यार करता हूँ, मतलब मैं किसी किस्म का तशद्दुद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बोल देता हूँ मैं। सैफी तुम्हें क्या लगता है मेरी अम्मा पागल है, दूल्हा बनाकर तुम्हें पीटेंगी या फिर तुम्हें काटने के लिए दौड़ेंगी। अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि दुनिया में ना इंतकाम के बहुत से तरीके हैं, अब कौन जाने उनके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं। अरे नहीं, मैंने उनसे दोबारा पूछा था, वो फुल एंड फाइनल राजी हैं। अरे तुम्हारी अम्मा का सलमान खान है कि जो वो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, अपनी कमिटमेंट कभी तोड़ती नहीं है। चिल सैफी बेबी चिल, वो मेरी माँ है, जो वो कहती है ना वो करके दिखाती है, तुम देख लेना। चलो खुदाफ़। बात समझ में नहीं आ रही, उस मोहल्ले में रिश्ते कौन करता है जहां अपनी इज्जत पे हर्फ आ रहा है। अरे क्या सब्जी के साथ मेरी इज्जत भी छीलती जा रही हो, बात समझ में आ रही है या नहीं। अरे बात करने दोगे तो जवाब दूंगी ना तुम्हें, मैं भी तो यही कह रही हूँ, बात अब इज्जत तक आ गई है तो मैं भी इस पर हर्फ नहीं, पूरी किताब रकम करूंगी। क्या करूँ? पूरी किताब रकम करूंगी। कुर्बान चला जाऊं तुम्हारी इस रकम पे है? अरे सही से नाम तो लिखना सीख लो, किताब रकम करूंगी। देखो नत्तो बेगम, मुझे ये अपनी अकलौती नाक बहुत अजीज है, अब मैं मरने वालों की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी अब। अरे कौन कह रहा है बर्दाश्त करने को, मैंने तो तुमसे कहा ना तुम फिक्र मत करो। अरे सामने वाले का तना सर बर्दाश्त नहीं होता कसम से मुझसे, अब तुम देखना कैसे गिराती हूँ उसे मैं। अरे वालेकुम सलाम, कौन हो आप? मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। क्या? अरे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। अम्मा कहती है डोली में जाना और मर के निकलना। हाँ तो जल्दी से मरो और निकलो, चलो। मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरी जिंदगी हो, आप मेरे ख्वाबों के शहजादे हो। ये तुमने सही कहा, ख्वाबों का शहजादा तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे नहीं जैनी के ख्वाबों का। अब तुम ना पहली फुर्सत में निकलो, चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने आपका दिल में बसा लिया है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अपने दिल से मुझे निकालो और यहाँ से निकलो, चलो। अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अच्छा तो जरा बताओ क्या करोगी? बैठो तुम जरा। लो बैठ गया। मार दूंगी मैं तुम्हें। अरे पागल हो गया, अरे मर जाऊंगा मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कभी उन्हें नहीं दूंगा, मैं कभी उन्हें नहीं दूंगा। भैया निकाह शुरू करें? हाँ। मैंने आगे भी जाना है फिर। अरे एक मिनट गारी साहब, आप आ जाएं तो फिर करते हैं निकाह शुरू, क्यों सैफी मियां? हाँ हाँ। क्या आपा का भी निकाह पढ़वाना है? अरे काजी साहब, अरे मेरी आपा शादीशुदा है वो। तो क्या तुम बारात से पहले भाग के आ गए, बड़ी जल्दी है तुम्हें। नहीं नहीं वो मेरी तरफ से शामिल होगी ना। कौन किसकी तरफ से है ये मुझे इसका कोई वो नहीं है, आप जल्द से जल्द निकाह पढ़वाओ। अरे मौलवी साहब उतनी जल्दी तो इसे नहीं है जिसका निकाह हो रहा है जितनी आपको है। अरे भी लगता है काजी साहब को किसी खास निकाह में जाना है, क्यों काजी साहब? और वहाँ निकाह कारी साहब नहीं कोई और पढ़ाएगा। अरे तो फिर भाई जल्दी बुलाओ, तुम्हारे निकाह की वजह से किसी और का निकाह लेट ना हो जाए। है? अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे अकलौते बेटे का हकीका है। अरे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, रस्ते में होंगे, आते होंगे वो भी। मौलवी साहब जल्दी से निकाह शुरू करें, मेहमान खुसूसी आ गए हैं, जल्दी करें जल्दी करें। सैफी वल कैफी आपका निकाह। सैफी तेरी इतनी जुरत, मुझे बताए बगैर तू यहाँ पे शादियां कर रहे?
वाह महेश, वाह, तुम तो कह रही थी कि सैफी इतना फरमा बरदार है कि तुम्हारे हुक्म के बगैर तो मुंह से मक्की नहीं हटाता। इतना फरमा बरदार इनकी जिंदगी में सिर्फ हम ही हैं। क्यों मैं भी? चुप करो तुम, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जरूर का गुलाम। कौन मैं? अरे हाँ चल। सब खुदा का, वो सब खुदा का, भाई की बारात आ गई, निकाह हो गया, फिर को पता नहीं। अरे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अम्मा बाबा तो तुम्हारे स्पुर्द करके गए थे अपने बेटे को, अब तुम कान लपेटे सोती रही तो हम क्या कर सकते हैं भाई। कान तो अब मैं तुम सबके लपेटूंगी। तू किन टटपूजियों के घर बारात लेकर गया? तुझे शर्म ना आई, हया ना आई जरा? अरे ओ, ये टटपूजिया किसे कहा तुमने? अरे आपको, आपको क्या टटपूंजिया, बल्कि टटपूंजिया तो थोड़ा बेहतर लफ्ज है। आपकी शक्ल तो जेब कुतरों जैसी है, जेब कुतरों जैसी। मैं भी मुंह भर के जेब कुतरा को। जेब कुतरा? अच्छा, और जेब कुतरा किसे कहा है? मेरे शौहर को, खुद को देखो, अपना तो कैरेक्टर ही ढीला है, नजरबाज कहीं का, बेशरम, मुझे इशारे करता है। अरे तेरी ये जुर्रत संघाड़े मेरी बेगम को इशारे? तू क्या कर रहा है? देख ही रहा मेरे बिया के साथ क्या सलूक हो रहा है? तू चुप करके खड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? लानत हो तुझ पे। अरे इकलौते बहने का बेइज्जत करवा रहा है, है? अभी के अभी तलाक दे इसको। बिल्कुल सही सैफी, मौलवी साहब ये फाड़ दे, ये निकालना फाड़ दे, तलाक लिख सैफी, तलाक अभी। ओके अभी लिख। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ मत के रोज ना, अम्मा तुझे माफ नहीं करेगी। अरे ये क्या तलाक देगा, मैं भी कोई इतना बेगैरत नहीं हूँ कि तुम जैसे होचे और नीच लोगों में अपनी बिटिया को ब्याह दूँ। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग, हैं? अभी अभी वो खुलानामा खुदामा लिख के तुम्हारे मुंह में मारूंगा। अरे उठो उठो उठो, गाड़ी साहब निकालो, नहीं सब खुलानामा होगा, खुलानामा। मैं बता रही हूँ, मेरा सैफी से निकाह हो चुका है, मुझे कोई भी अब जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकता। अच्छा, सैफी से निकाह हो चुका है, तुझे कोई अंदाजा भी है तेरे बाप की कितनी बेइज्जती हुई है वहाँ? अम्मा तुमने भी आपा को ताव दिलाया है, अगर चुप करके बैठती ना बात इतनी आगे ना बढ़ती। अच्छा चुप करके बैठती, वो लोफर लफंगा तेरे बाप को जेब कतरा कह रहा था। अरे मैं जुबान ना काट दूं तेरे बाप को जेब कतरा कहने वाले की। अम्मा तुम उसकी जेब कतरो या जबान, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे वापस सैफी के पास जाना है। अच्छा भाई ठीक है, मैं करती हूँ बात तेरे बाप से, समझाती हूँ मौका देखकर, अगर वो मान गया ना तो ठीक है, फिर हो जाएगी जिसकी भी रुखसती होनी है। जिसकी भी रुखसती करवानी होगी? अम्मा दुल्हन मैं हूँ, रुखसती मेरी होनी है। ये तो अब वक्त ही बताएगा, उस महविश बीबी की भी तो नाग रगड़वानी है ना। अम्मा अम्मा तुम्हारे नाक रगड़वाने के चक्कर में मैं रगड़ गई हूँ, तुम लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, दो प्यार करने वालों के दरमियान तुमने जुदाई डाल दी है। सैफी छोड़ दो मुझे माँ। मर रही थी तू? हाँ मैं मरने लगी थी, ये जालिम समाज क्या बोलेगा कि निकाह के जोड़े में बाप के दरवाजे पर वापस पलट आई, मैं ये ताने नहीं सुन सकती माँ, मुझे मरने दो। अरे जैनी इतनी सी ऊंचाई से गिरकर मरेगी क्या, लूली लंगड़ी हो जाएगी। चल चल उठ, कपड़े बदल। हरगिज नहीं बदलूंगी, इन्हीं कपड़ों में अपनी जान दूंगी, अगर आप मुझे यहाँ से कूदने नहीं देंगी ना, जो फिनाइल मंगवाया था वो पी के मर जाऊंगी। अरे मर जाना, चल 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 ऊपर चल। अरे धक्का तो मत मारो माँ। धक्का तो चलो, शर्त है हमारी। बताओ क्या शर्त है, और शर्त एक ही होनी चाहिए, एक शर्त का कहकर दो दो मनवा लेते हो। अरे तो क्या नाखल्फ तुम्हारी होगा मेरी, और रहने दो मियाँ तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो इसमें। तो मैंने कब कहा कि अंडे से निकली, अब देखो ठीक है जो भी तुम कह रही हो वो ठीक है, बस वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, सैफी। हाँ वो सैफी, उससे कहो कि अपने वो जो बहनोई है उसका, उसकी आंखों पर इस तरह का काला कपड़ा बांध कर लाए और मुझसे माफी मंगवाए, बस। वो उसका बहनोई है, कोई कोलू का बैल थोड़ी जिसकी आंखों पे पट्टी बांध कर तेल निकलवाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, पट्टी ना सही, ऐसा ना हो
कि पैर पड़ने की बजाय हमारा गला ही पकड़ ले, लेकिन माफी जरूर मांगे। और वो क्या नाम है, वो मनहूस मारी मैविश, उससे बोलो कि जो उसने मुझे खजाब लगाया था ना, जिसकी वजह से ये मेरे सारे बाल उतर गए, उसके पैसे भी एंट लिए उसने, ला के ना पैसे वापस करे वो। दो शर्तें अभी हो गई हैं अम्मा, सोच लो कि बाकी और कितनी रहती हैं। हाँ हाँ सोच रहे हैं सोच रहे हैं, पहले तू जाकर कपड़े तो बदल। क्या हाल हो गया मेरे भाई का, और कहाँ से गिरा के लाए उसको, हालत देखो मेरी इतनी जरूरत कि मैं इसे गिराऊं, ये गिरा गिराया मिला मुझे। इसका एक दोस्त जो है दुकान पे छोड़ गया था, कह रहा था कि जनाब मौत के कुएं में कर्तव्य दिखाने निकले थे। नहीं नहीं आप ही ट्रक ने उड़ा दिया। ट्रक ने? अरे ये भी तो बताओ, प्राइवेट अस्पताल में इलाज हुआ है तुम्हारा, खून की बोतल लगी है। मैं बिस्पेकम इतने इतने पैसे दिए इसके दोस्त को, निकालो मेरे पैसे। अरे जान निकल रही है तुम्हारी, दे दूंगी तुम्हारे पैसे। शुक्र है मेरे भाई की जान बच गई, तुम्हें पैसों की पड़ी है, और तुझे ट्रक नजर नहीं आया। उसको मैं नजर नहीं आया, और प्लीज कोई मुझे फ्रूट काट दे, डॉक्टर ने कहा था हर एक घंटे के बाद फ्रूट खाना है। ये कब की बात है? और ये भी कहा था कि घर जाते यखनी पी लेना, और ये भी कहा था कि जूस भी पी लेना। यकीनन इसके साथ से काला जादू कर आया, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे, और वरना मेरा भाई तो तार के ऊपर साइकिल मोटरसाइकिल चला ले। अगर महवेश कह रही है तो बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी तुम लोगों का लकी ईरानी सर्कस के खानदान वालों से ताल्लुक है। क्या क्या बोल रहे हो, जाओ जाके यखनी चढ़ाओ, इसकी हालत देखो। जब महवेश कह रही है तो यखनी बनानी पड़ेगी। वो कहाँ रह गए भाई? देखो भाई मेरे पास चलो। अरे दूल्हा कहाँ है भाई? अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, वो एक टांग पे आ रहा हूँ ना। अरे यार सारा बदन मुझ पे डाल दिया। अरे गिरना जाना। बच्चे चल भी नजर बात, तू हाथ हटा ले अपने। हाँ भाई तुम भी हटा लो भाई। हाँ हमारा दामाद खुद अपनी दोनों टांगों पे चल के हमारी बिटिया को लेकर जाएगा। क्या? अरे मैं तो ऐसे। ये क्या है, ये ठीक है? बहुत बहुत बहुत। अरे आपका आइडिया काम कर गया भाई। तूने झूठ बोला मुझसे? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुझे तो मैं देखती हूँ। अरे नहीं आप, वो तो मैं करता कि बताती हूँ मैं। मेरी टांग असल में तोड़ दी। हाँ तेरा सर भी तोड़ दूंगी मैं, झूठ बोला है तूने मुझसे। अरे वाकई तोड़ दी टांग? सचमुच के लंगड़े के साथ रुखसत नहीं करूंगा अपनी मीडिया को। नहीं 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 नहीं, लड़की में लेके जाऊंगा मैं।